नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। ये हमारा अगला सेकंड लेक्चर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और इसमें हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किए जाते हैं। सो प्रोजेक्ट स्टार्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कंपनीज की बिजनेस नीड्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बिजनेस नीड्स होती हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी होती है, उसके अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, या एक नई प्रोडक्ट लाइन है जिसको स्टार्ट करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है, या फिर जो उसकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री की मशीनरीज हैं उनको अपग्रेड करना चाहती है, तो इसलिए जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। सो ये सब रीजंस हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये सब हो सकते हैं बिजनेस केस। बिजनेस केस के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है बिजनेस केस, कि किसी प्रोजेक्ट को क्यों स्टार्ट किया गया है, रीज़न क्या है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस केस, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी हो सकती है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, मीन्स हम किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, कंपटीटर के अगेंस्ट कोई लाइक यूनिक फीचर्स वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, या कोई चीज़ को मशीनरी को अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है जो एक मशीन बनाना चाहता है ताकि उसका जो प्रोडक्शन है चीज़ों का वो ज़्यादा तेज़ी से हो सके, तो वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है मशीन बनाने का। या दोस्तों कोई स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, वो एक नया स्मार्टफोन नए फीचर्स वाला जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है नए मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, रेवेन्यू जनरेट कर सकें। सो दोस्तों अब अंतर जान लेते हैं कि ऑपरेशनल वर्क में और प्रोजेक्ट वर्क में क्या अंतर है, कैसे ऑपरेशनल वर्क जो होता है हमारा वो एक प्रोजेक्ट वर्क से डिफरेंट होता है, तो आइए अंतर जानते हैं। सो दोस्तों ऑपरेशनल वर्क वो काम होता है जो हम डेली करते हैं अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए अकाउंट्स का काम है तो वो डेली बेसिस पे होता है कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेशनल वर्क जो है वो उस स्कोप से बाहर होता है जो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, मतलब वो प्रोजेक्ट के स्कोप से डिफरेंट होता है, बाहर होता है, ठीक है दोस्तों। फैक्ट्री को चलाने के लिए जो डेली काम किया जाता है वो ऑपरेशनल वर्क होता है, वो कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता है। या एचआर डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो ऑपरेशनल वर्क होता है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक प्रयास होता है जिसकी एक बिगनिंग होती है और एक अंत होता है, मतलब स्टार्ट होता है और एक टाइम होता है जिसमें वो क्लोज हो जाएगा, जिसमें हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लो एक नई असेंबली लाइन इंस्टॉल करनी है फैक्ट्री में, ठीक है, तो एक अलग काम है और फैक्ट्री में जो एक अलग प्रोजेक्ट की तरह ये किया जा सकता है, और उसमें जो है एक स्टार्ट डेट होती है और एंड डेट होती है, लेकिन जो कार कार के पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है दोस्तों, ऑन गोइंग, वो तो डेली होंगे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे। नया प्रोजेक्ट आएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बना दी, फिर उसके बाद जो है जो डेली का काम होता है डिलीवरी का, वो तो ऑन गोइंग टास्क होता है, तो उसको ऑपरेशनल वर्क बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट को हम ये सोच सकते हैं कि एक वन टाइम प्रयास होता है हमारा, और ऑपरेशनल वर्क जो है डेली रूटीन वर्क होता है जो कि कंटिन्यूस होता है और चलता रहता है, कंटिन्यूसली रुकता नहीं है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका स्ट्रेटेजिक लेवल के गोल होते हैं, मींस बिगर लेवल के गोल होते हैं उनके बिजनेस के, तो इन गोल्स को पूरा करने के लिए जो है वो इंडल्ज होते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, या प्रोग्राम स्टार्ट करने में, या पोर्टफोलियो स्टार्ट करने में और उनको मैनेज करने में, ठीक है। अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशंस इंडल्ज होती हैं प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में, या पोर्टफोलियो में, ठीक है दोस्तों।
प्रोजेक्ट्स जैसा कि हमने अभी अभी देखा, टेम्प्रेरी प्रयास होते हैं, टेम्प्रेरी एंडेवर्स होते हैं, जो कि हम एक यूनिक प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या सर्विस बिल्ड करने के लिए जो है स्टार्ट करते हैं, फिर उसको फिनिश कर देते हैं। प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारे रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो होता है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम भी हो सकते हैं, और प्रोजेक्ट इंटररिलेटेड भी हो सकते हैं, तो उनको प्रोग्राम बोल देंगे। सबसे ऊपर कौन से होते हैं? हाई लेवल पे पोर्टफोलियो होते हैं। हायरार्की में सबसे ऊपर जो है वो पोर्टफोलियो होते हैं, और सबसे नीचे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट, लोअर लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो दोस्तों, कई सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के, कई सारे प्रोग्राम्स को मिला के बनता है हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, और जो जो बंदा पोर्टफोलियो मैनेज करता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। सो ऐसा मान लीजिए कि एक हमें स्कूल की बिल्डिंग बनानी है और एक ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वो हो गए रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो उसको प्रोग्राम्स कहेंगे। प्रोग्राम क्या बोलेंगे उसको? प्रोग्राम, क्योंकि उसमें रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनको शेयर किया जा सकता है, तो वो एक तरह से रिलेटेड है। सो अगर हम बात करें कि एक हमारा गोल है कि हम एक स्कूल की बिल्डिंग बनाएं और एक ऑफिस की बिल्डिंग बनाएं, ठीक है दोस्तों, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए। ठीक है, और उसके अलावा हम एक आईटी थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन से हम एक चीज़ और बनवा लेते हैं, एक कॉरपोरेट वेबसाइट बनवा लेते हैं अपने लिए। तो ये पूरा जो चीज़ है ये पोर्टफोलियो हो जाएगी, पोर्टफोलियो बोलेंगे इसको, पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो दोस्तों, पोर्टफोलियो जो है वो फोकस्ड होता है अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और प्रोजेक्ट जो होता है वो फोकस्ड होता है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। सो दोस्तों, अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं जो इंटर रिलेटेड हैं या जिनमें इंटरडिपेंडेंसीज हैं या कॉमनलिटीज हैं, तो उसके बेनिफिट होते हैं, जैसे कि रिस्क जो है कम हो जाता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अगर हैं कंस्ट्रक्शन के, तो उसमें रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं, फिर हमारी जो मटेरियल है वो शेयर हो सकता है इजीली, और अगर वो दोनों ही क्लोजर लोकेशन पे हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के। तो इसीलिए जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सो दोस्तों, अगर बात करें एक प्रोग्राम की, तो उसमें तो रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं मल्टीपल। ठीक है, लेकिन जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं, सॉरी, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिलेटेड ही हों। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं और प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उनको अचीव कर सकें। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सकें। मेजर ऑब्जेक्टिव जो पोर्टफोलियो का होता है वो अपनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल जो है उसको सपोर्ट करना होता है थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स के थ्रू। सो दोस्तों, अब बात करते हैं ओपीएम की, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होता है, बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स या बिलीव्स होता है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं या फिर किसी भी नई चीज़ को जो है स्टार्ट करते हैं। सो एक रूल्स रूल हो गया, एक सेट ऑफ बिलीव्स हो गया, ठीक है दोस्तों, या सेट ऑफ आइडियाज़ हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है वो हमें डायरेक्शन देता है
पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को अचीव कर सकें। और दोस्तों, प्रोजेक्ट गवर्नेंस की बात करें तो वो प्रोसीज़र और गाइडलाइंस होती हैं जो एंश्योर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी स्ट्रेटेजी को अचीव कर सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो ये जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, ये देता है डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को अचीव करने की डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट गवर्नेंस है वो एंश्योर करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को अचीव करें। ठीक है, कि उसको अचीव करें। डायरेक्शन देना अलग चीज़ होती है और अचीव करना प्रोसीजर्स और गाइडलाइन के थ्रू अलग चीज़ होती है। तो प्रोजेक्ट गवर्नेंस जो है तभी हो पाती है जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो। ठीक है, जब आप एक फ्रेमवर्क हो आपके पास, तो उसके बाद आप जो है प्रोजेक्ट गवर्नेंस करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है। एक बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करने के लिए एक हब होता है कंपनीज के अंदर, जिसमें सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो है उनके जो प्रोसेसेस है उसको मैनेज करने के लिए जो है PMO बनाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शंस करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बनाया जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करता है। और ये जो PMO होता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है, इसका लेवल ऑफ कंट्रोल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वैरी करता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है PMO के पास ज़्यादा पावर होती है, ऐसी भी कंपनीज होती हैं और ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिसमें PMO के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं PMO के, जैसे कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का PMO हो गया, कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर का PMO हो गया, डायरेक्टिव PMO हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं PMO के, इनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो लो लेवल का कंट्रोल होता है जिसमें, तो वो है सपोर्टिंग कल्चर, सॉरी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में जो है जो PMO होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है, उसका काम होता है, ज़्यादा इंडल्ज नहीं होता वो पॉलिसीज जो है बना के देता है, या मेथडोलॉजीज जो है वो बना के देता है, टेम्पलेट्स देता है और लेसन्स लर्न्स देता है प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। प्रोजेक्ट टीम्स जो होती हैं उनको ये सब देता है। सो बेसिकली प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है PMO प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग PMO। सो अब बात आती है उस PMO की जो थोड़ा ज़्यादा एंगेज करता है चीज़ों में और थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट लेवल का कंट्रोल रखता है प्रोजेक्ट टीम्स पे, प्रोजेक्ट्स पे। तो उसको कहते हैं कंट्रोलिंग PMO स्ट्रक्चर। और कंट्रोलिंग PMO स्ट्रक्चर जो है वो भी सपोर्ट करता है, फिर गाइडेंस देता है और ट्रेनिंग्स भी करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। और इसके अलावा जो है एंश्योर करता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उनसे कंप्लाई करें। और जो प्रोजेक्ट की प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी इनलाइन हो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज से। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट जो फॉलो करे ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को। ठीक है दोस्तों, ये एंश्योर करना भी काम होता है कंट्रोलिंग PMO का। सो लास्ट में दोस्तों आता है हाई कंट्रोल वाला PMO, जो कि होता है डायरेक्टिव PMO और
वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स के लिए, और ये जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट के लिए, असाइन करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्टिव पीएम होता है उसका पावर ज़्यादा होती है और प्रोजेक्ट रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो हमारा लो लेवल का है पीएमओ तो उसका जो है कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ पॉलिसीज प्रोसीजर्स और टेम्पलेट्स देता है प्रोजेक्ट टीम्स को, मीन्स सपोर्ट करता है और इसीलिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। सो अब बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स की। कॉन्स्ट्रेंट्स कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि एग्जीक्यूशन को जो है हिंडर करता है, या जो बेसिकली उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है उसको स्लो करने की कोशिश करता है कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्स्ट्रेंट्स कब आइडेंटिफाई होते हैं? जब हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, ठीक है, हाई लेवल पे जो है हम कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान भी जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स डाली जाती हैं, स्कोप डिफाइन स्कोप का जो प्रोसेस होता है उसमें, प्लानिंग के दौरान डिफाइन स्कोप का जो प्रोसेस होता है उसमें डिटेल्ड बात की जाती है कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट कितने तरह के हो सकते हैं? टाइम और स्केड्यूल का कॉन्स्टेंट हो सकता है, कॉस्ट का हो सकता है, रिस्क हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, स्कोप का कॉन्स्टेंट हो सकता है, रिसोर्सेज का हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कॉन्स्टेंट हो सकता है, कई तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सो एक कॉन्स्टेंट कैसे होल्ड बैक कर देता है हमारे प्रोजेक्ट को, स्लो कर देता है, ये रोक देता है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लो टाइम और स्केड्यूल जो है उसकी लिमिटेशन है, कॉस्ट की लिमिटेशन है, तो कॉस्ट अगर लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है तो क्वालिटी जो है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं, रिस्क बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कॉस्ट कम है तो हमारा जो स्कोप है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ये भी मतलब अगर आपने टाइम की लिमिटेशन लगा दी है तो हो सकता है कि जो टीम है वो स्कोप जो है वो ठीक से फॉलो ना करे, रिक्वायरमेंट्स को ठीक से फॉलो ना करे, तो ये चीज़ भी हो सकती है। सो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करे और उनका जो इफेक्ट है प्रोजेक्ट के ऊपर उसको इवेल्युएट करे। जैसे कि मान लो कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से इम्पैक्टेड होते हैं और एक दूसरे का इफेक्ट होता है। लाइक टाइम अगर जो है कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्कोप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मतलब जो स्कोप ऑफ वर्क में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें पूरी ना हो पाए, है ना। कॉस्ट कम है तो हो सकता है कि जो कॉस्ट कम होने की वजह से जो है जो क्वालिटी है उस पर फर्क पड़े, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मतलब इंटरडिपेंडेंट होती हैं। सो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट में चेंजेस रिक्वेस्ट करता है कस्टमर या और भी तरह के जो चेंज रिक्वेस्ट होते हैं वो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है इफेक्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी है। सो दोस्तों, अगर क्लाइंट ने कोई चेंज रिक्वेस्ट करा है, ठीक है, अगर क्लाइंट ने कोई चेंज रिक्वेस्ट करा है हमसे, तो हमें जो है उस चेंज का इम्पैक्ट देखना पड़ता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, चेंज का इम्पैक्ट मतलब अगर चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा कॉस्ट पे। जैसे कि मान लो एक नया फीचर रिक्वेस्ट कर लिया क्लाइंट ने, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, स्केड्यूल बढ़ जाएगा, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, लाइक क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो सकती है उस वजह से, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई तो हमें जो है टाइम ज़्यादा लगेगा चीज़ को बनाने के लिए। सॉरी, कॉस्ट बढ़ गई तो हमें टाइम कम लगेगा चीज़ को बढ़ाने के लिए और जल्दी बढ़ जाएगी, बन जाएगी हमारी जो चीज़ है, बट वही है कि कॉस्ट बढ़ गई है ना, और क्योंकि नया फीचर बनाना तो हो सकता है कि टाइम भी ज़्यादा लगे उसको बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं सारी। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है ताकि वो प्रोजेक्ट टीम को मैनेज करे और
उनके थ्रू जो है अपने प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करे। तो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन किया जाता है, और टीम को मैनेज करना उसका बेसिकल रोल होता है। तो दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर 90% से ज़्यादा टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में बिताता है स्टेक होल्डर्स के साथ, दूसरी टीमों के साथ, और इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं उसकी टीम के, उनके साथ, प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स होते हैं, तो उसके उसका जो है उसके पास जो है बहुत ही एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो बेसिकली उसके पास जो है एंगेज करने के जो है स्किल्स होने चाहिए टीम के साथ। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है प्रोजेक्ट टीम से काम लेना, और उसके लिए जो उसके पास स्किल्स होने चाहिए जैसे लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, डिसीजन लेने के स्किल्स, नेगोशिएशन के स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स, कोचिंग के, और लोगों को गाइड करने के स्किल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर में, क्योंकि उसका ज़्यादातर समय जो है इन्हीं चीज़ों में बीतेगा। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए कुछ, जैसे कि उसके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। उसके अलावा जो है उसको जो है नॉलेज जो है उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, मतलब उसको जो है परफॉर्मेंस डिलीवर करना आना चाहिए। सो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो नॉलेज है उसके पास, उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करता है वो कॉम्पिटेंसी उसके पास होनी चाहिए। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बिहेव करता है टीम के साथ वाइल मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, टीम के साथ स्टेक होल्डर के साथ कैसे मैनेज करता है, तो पर्सनल कॉम्पिटेंसी उसके पास होनी चाहिए। तो नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, परफॉर्म करना आना चाहिए, उसके अलावा जो अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए टीम के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर वो सारे लोग होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। स्टेक होल्डर जो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं और किसी और डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। सो स्टेक होल्डर्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट में, उनका एक्टिव रोल भी हो सकता है, उसके अलावा वो एक एडवाइज़र भी हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। वो प्रोजेक्ट को नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं और हो सकते हैं, लाइक वो प्रभावित भी होते हैं, लाइक दे कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एज वेल। ठीक है दोस्तों, सो स्टेक होल्डर्स जो है वो इन्फ्लुएंस जो है हो सकते हैं प्रोजेक्ट से, सो क्योंकि वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके इन्फ्लुएंस को मैनेज करना, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों, स्टेक होल्डर हो सकते हैं कई तरह के, जैसे स्पॉन्सर हो गया प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया जो कि टीम को मैनेज करता है, प्रोजेक्ट टीम हो गई जो डिलीवरी करती है, और फंक्शनल मैनेजर्स हो गए जो हमें टीम देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, ठीक है दोस्तों, कस्टमर्स हो गए, सेलर्स हो गए, सेलर्स जो हमें वेंडर्स जो सर्विस देते हैं एक्सटर्नल, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, ठीक है दोस्तों। सो ये सब लोग हैं स्टेक होल्डर्स में आते हैं। सो दोस्तों, स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिक्वायरमेंट्स लेता है स्टेक होल्डर्स की, उनकी नीड्स क्या है ये जानता है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं प्रोजेक्ट से ये उसको जानना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों, और उनकी जो नीड्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैनेज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तो उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना पड़ता है और उनको इन्फॉर्म रखना पड़ता है। अगर उसके इंटरेस्ट जो हैं
वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं, सो वो बैलेंस करना ज़रूरी है, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा। प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है पता होना चाहिए कि कौन है की डिसीजन मेकर्स, कौन है और हाई पावर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है जो कि प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो समझना ज़रूरी है प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। ठीक है दोस्तों, उनकी जो नीड्स हैं वो हाई प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए और उनको जो है एड्रेस करना चाहिए। आप हर स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन जो कस्टमर होता है उसको जो है हाई प्रायोरिटी मिलती है बाकी सब स्टेक होल्डर्स के कंपैरिजन में, तो कस्टमर इज फर्स्ट। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए जो है रिसोर्सेज लेके आता है, ठीक है। उसके बाद वो हमारा स्पोक्स पर्सन होता है प्रोजेक्ट का, जब हमें कम्युनिकेट करना होता है हायर मैनेजमेंट से, ठीक है दोस्तों। और कोई भी इश्यूज होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी कोई भी इश्यूज होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको अथॉरिटी नहीं होती सॉल्व करने की, तो वहाँ पे किसकी हेल्प लेनी चाहिए, वहाँ पे लेनी चाहिए स्पॉन्सर की हेल्प, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनल प्रोडक्ट रिसीव करेंगी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, उसको कहते हैं कस्टमर, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्ट सर्विस या जो भी फाइनल सर्विस है या फाइनल प्रोडक्ट है उसको जो एक्सेप्ट करता है उसको कस्टमर कहते हैं। फिर हमारी प्रोजेक्ट टीम होती है, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक्चुअल वर्क परफॉर्म करेंगे प्रोजेक्ट में ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, उनको प्रोजेक्ट टीम बोलते हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ जाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ कौन होता है? वो टीम मेंबर जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्केड्यूलिंग करना, बजटिंग करना, रिपोर्टिंग करना, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह की जो रिलेटेड टास्क होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ करता है। फिर हमारा प्रोजेक्ट स्टाफ होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में डिलीवरेबल के ऊपर काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ। जो एक्चुअली एक्टिविटीज़ हैं, वर्क पैकेजेस हैं उसको परफॉर्म करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ। फिर हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो गए, वो जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग में जो है हेल्प करते हैं या एक्चुअल एग्जीक्यूशन में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो एक्सपर्ट्स हो गए। फिर हमारे सेलर्स हो गए, जो एक्सटर्नल वेंडर्स हैं, एक्सटर्नल कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आफ्टर प्रोक्योरमेंट, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आइटम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, पर प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको सेलर बोलते हैं। फिर बिजनेस पार्टनर हो गए, बिजनेस पार्टनर जो है एक्सटर्नल कंपनीज होती हैं जिसका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो स्पेशलाइज चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रेनिंग होगी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, ट्रेनिंग होगी, कोई स्किल सेट डेवलप करना है हमें अपनी टीम में, तो उनकी कंपनी जो है बिजनेस पार्टनर हेल्प करता है ट्रेनिंग देने में, सपोर्ट देने में या इंस्टॉलेशन करने में किसी सॉफ्टवेयर का, एक स्पेशल चीज़ में जो है हमारी हेल्प करता है बिजनेस पार्टनर। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इम्पैक्ट होता है किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो हमारे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं उसको इम्पैक्ट करता है। सो दोस्तों जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना दोस्तों, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है ग्रुपिंग होती है बाय स्पेशलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। स्पेशलाइजेशन का मतलब है जैसे कि मान लो फाइनेंस के जो लोग हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं, मार्केटिंग के लोग जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होंगे, सप्लाई चेन के लोग सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में होंगे, ठीक है दोस्तों। जो अथॉरिटी होती है, मेन अथॉरिटी, वो फंक्शनल मैनेजर के पास होती है, और
जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फंक्शनल एरियाज़ के अंदर ही होते हैं या डिपार्टमेंट के अंदर ही ऑर्गेनाइज होते हैं और कंप्लीट किए जाते हैं। कम्युनिकेशन जो है डिपार्टमेंट के अंदर होता है, और टीम मेंबर जो है डेली डेली का काम भी करते हैं और प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं। दोनों तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रेगुलर भी होती है और प्रोजेक्ट वर्क भी आता रहता है बीच बीच में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दोस्तों उसके बाद हमारी आती है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोजेक्ट्स के अराउंड बनाया जाता है। तो बात करें तो जो दोस्तों प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो मेन पावर होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। मेन अथॉरिटी जो होती है वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। फिर आता है हमारा रिपोर्टिंग, जो पर्सनल पर्सनल होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को। जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर ही होते हैं, देन प्रोजेक्ट रिलेटेड काम ही होता है, उसके अलावा कोई और काम नहीं होता। टीम मेंबर्स जो है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मूव करते रहते हैं और वो किसी डिपार्टमेंट में लाइक वापस नहीं आ सकते। अगर उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो या तो वो किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट होते हैं या फिर उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ती है। ये सब जो है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली ब्रीफ है। दोस्तों इसके बाद हमारी आती है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें जो है वो फंक्शनल और प्रोजेक्टाइज दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो है दो बॉस होते हैं, एक हमारा फंक्शनल मैनेजर हो गया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। फंक्शनल मैनेजर जो डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स को ही मैनेज करता है। जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है टीम मेंबर्स के बीच में, जो पूरे टीम मेंबर्स होते हैं और बॉस से, मतलब उनके जो दोनों बॉस होते हैं फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद बात करें, दोनों तरह के काम होते हैं, रेगुलर वर्क भी होता है प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो है दोनों के करने पड़ते हैं हम लोगों को। दोस्तों देखते हैं कि कितने टाइप की मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग पावर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, ग्रेटर देन फंक्शनल मैनेजर। उसके बाद वीक मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को ज़्यादा पावर नहीं होती है। फिर आता है हमारा बैलेंस मैट्रिक्स। बैलेंस मैट्रिक्स में जो है प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर के पास बैलेंस पावर होती है। तो दोस्तों मैट्रिक्स जो वीक मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कम पावर होती है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की तरह बिहेव करता है और एक हाई लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। उसके पास ज़्यादा मतलब पावर तो होती है लेकिन ज़्यादा पावर नहीं होती डिसीजन लेने की, ठीक है दोस्तों। तो वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फिर हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट एक्सपीडिटर, ठीक है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट एक्सपीडिटर जो होता है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा प्रोजेक्ट एक्सपेडिटर की तरह एक्ट करता है तो उसके पास ज़्यादा पावर या अथॉरिटी नहीं होती डिसीजन मेकिंग की। जस्ट वो एक तरह से कम्युनिकेशन असिस्टेंट होता है या कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर होता है या स्टाफ असिस्टेंट होता है एज अ प्रोजेक्ट एक्सपेडिटर। इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट वीक मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पावर ज़्यादा होती है प्रोजेक्ट एक्सपेडिटर से, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं और उसके पास अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है वीक मैट्रिक्स में। तो फिर से बताना चाहता हूँ कि वीक मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर की पावर कम होती है और फंक्शनल मैनेजर की पावर ज़्यादा होती है। दोस्तों बात करते हैं एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो वो जो हैं जैसे कि मान लो प्रोजेक्ट टीम है हमारी, तो उनको इन एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी डील करना पड़ता है जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली कल्चर और सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से रिलेटेड, और इन्हीं कंडीशंस के अंदर जो है प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। इन सिस्टम्स पे, इन कल्चरल फैक्टर्स पे जो है उनकी एग्जिस्टेंस के साथ साथ जो है हमें काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, एंड वी हैव टू लाइक वी कैन नॉट चेंज दीज फैक्टर्स। तो जैसे कि कंपनी की हायरार्की होती है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो
हायरार्की में लेयर्स ज़्यादा हुई, ठीक है, तो उसमें जो है ज़्यादा अप्रूवल लेने पड़ेंगे, ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ, स्टेक होल्डर ज़्यादा होंगे, सो वो अफेक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट को, तो वो कंसिडर करना होता है पहले से। गवर्नमेंट के रेगुलेशन हो गए, मार्केट की कंडीशन हो गई, पॉलिटिकल कंडीशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो गया, तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है प्रोजेक्ट के दौरान। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और कल्चर में आते हैं उसके प्रोसीजर, काम करने के तरीके, फिर पॉलिसीज जो कंपनी की हैं उनको फॉलो करना, कल्चर एंड नॉर्म्स, मतलब जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करती है, अप्रोच करती है, वो अप्रोचेस। सो प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नो लाइक कि कंपनी का कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स के बारे में। इसमें होता है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है एग्जिस्टिंग मटेरियल, हमारा जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसेस हैं जिनसे हमारा प्रोडक्ट को, सॉरी प्रोजेक्ट को मैनेज और कंडक्ट करने में आसानी होती है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स को, और इसकी वजह से जो है उनको प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोसेस एसेट्स हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो प्रोसेसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, ठीक है दोस्तों, जिससे हमें प्रोजेक्ट को मैनेज करने में आसानी होती है। देन उसके अलावा हो सकता है कॉरपोरेट नॉलेज बेस, जो कि पास्ट प्रोजेक्ट की नॉलेज होती है जो हमें हेल्प करती है प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स में। तो जैसे दोस्तों अभी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो हम पुराने प्रोजेक्ट की कॉरपोरेट नॉलेज बेस से देख सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स जो हैं हमारे उनसे चेक कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस तरह के पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्ट में। दोस्तों, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज की बात करी हमने, गाइडलाइंस की बात करी, मैनेज प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसमें जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं, ओपीओज हैं हमारे, इसमें आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज जो हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के टेम्पलेट्स हैं, फिर हमारे चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, देखो हाउ कैसे कैसे जो चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं प्रोजेक्ट में, तो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स बताते हैं, रिस्क कंट्रोल प्रोसीजर बताते हैं कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मिटिगेट करना है, और फिर हमारी गाइडलाइंस होती हैं जैसे परफॉर्मेंस मेजर करने के क्राइटेरिया होते हैं उसमें, और प्रपोजल इवेल्युएट करने के लिए क्राइटेरियाज होते हैं, प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए गाइडलाइंस होती हैं। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, अपने प्रोसेसेस, प्रोसीजर, पॉलिसीज, गाइडलाइंस से। फिर से बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज हो गई, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हो गई, टेम्पलेट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स के टेम्पलेट्स हो गए, चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स हो गए, रिस्क कंट्रोल प्रोसीजर्स हो गए, फिर गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रपोजल को इवेल्युएट करने के, और गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट क्लोजर। कॉरपोरेट नॉलेज बेस की बात करें, जो सेकेंड टाइप का था हमारा ओपीओ, तो उसमें हो सकती है हमारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो पास्ट प्रोजेक्ट की है, और उसमें हो सकते हैं लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स, रिस्क रजिस्टर हो सकता है, रिस्क की डिटेल्स हो सकती हैं, फिर हमारा स्टेक होल्डर्स का रजिस्टर हो सकता है जिसमें स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से जो है कॉरपोरेट नॉलेज बेस भी हमें हेल्प करता है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, और ये भी एक तरह का हमारा ओपीओ है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट, ओपीए। तो दोस्तों, देखते हैं कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो कैसे यूज़फुल होती है। तो अगर आप देखो तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो पास्ट के प्रोजेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, और दोस्तों वो यूज़फुल होती है प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्लान करता है नए प्रोजेक्ट के लिए, और इससे जो हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होता है, रिसोर्सेज भी सेव होते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सिमिलर नेचर के हैं पास्ट प्रोजेक्ट से। सो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पास्ट प्रोजेक्ट की नॉलेज है हमें, पास्ट प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो हमें पता लगता है कि कॉस्ट एस्टिमेट्स कौन से यूज़ करने हैं, पुराने प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या थे, रिसोर्सेज किस तरह के थे, स्किल्स कौन से यूज़ हुए थे, रिस्क कैसे आए थे पुराने प्रोजेक्ट में, और पास्ट प्रोजेक्ट में जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कैसा था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये नए प्रोजेक्ट में एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होती है, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ होती है, और प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है दोस्तों हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन।
फिर हमारे आते हैं दोस्तों लेसन्स लर्न। लेसन्स लर्न हमें बताते हैं कि क्या गलत हुआ था पिछले प्रोजेक्ट में, क्या सही हुआ था, और प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग्स और नॉलेज होती है जो कि पुराने प्रोजेक्ट से हमें मिलती है। ये नॉलेज की बेसिकली पुराना प्रोजेक्ट हमने कैसे हैंडल किया था, उसको इम्प्रूव कैसे किया था, और फ्यूचर में जो जो प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बेसिकली जो है लेसन्स लर्न को कलेक्ट करते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है लेसन्स लर्न को रिव्यू करना इससे पहले कि वो नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो दोस्तों लेसन्स लर्न के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि दो लेसन्स लर्न जो है वो हम इनपुट एज अ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। इनपुट के लिए जब यूज़ करते हैं तो वो इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है दोस्तों, ताकि वो परफॉर्म उसमें जो हमें परफॉर्मेंस मिले। और आउटपुट में जब भी करते हैं तो उसमें लेसन्स लर्न निकालते हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स जो सिमिलर नेचर के हैं कैन बी डन इन अ बेटर वे और कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर बेटर। सो लेसन्स लर्न जो है वो कंप्लीट किए जाते हैं स्टेक होल्डर्स द्वारा। तो दोस्तों लेसन्स लर्न और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के क्या सिग्निफिकेंस है और क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में? तो दोनों जो हैं हमारे प्रोजेक्ट की लर्निंग्स होती हैं, यूनिक लर्निंग्स होती हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं ताकि जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, और उनको जो कॉरपोरेट नॉलेज बेस में स्टोर करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में यूज़ करा जा सके इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। सो दोस्तों ये लर्निंग हम कलेक्ट करते हैं, ये एक तरह से हमारे रेडीमेड सॉल्यूशन होते हैं फॉर द प्रॉब्लम्स एंड इन्फॉर्मेशन मे बी अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन द फ्यूचर प्रोजेक्ट, और इनके द्वारा जो प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन हो गए प्रॉब्लम्स के। उसके बाद बात करें तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा कंसर्न होती है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ज़्यादातर, जैसे कि मान लो कितने कॉस्ट थी, कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए थे, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि लेसन्स लर्न में होता है कि किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या अप्रोच यूज़ की थी और उसका रिजल्ट क्या निकला था और आगे जो है क्या क्या हो सकता है अगर हम उसी अप्रोच को यूज़ करें तो। तो दोस्तों अब बात करते हैं वर्क परफॉर्मेंस डेटा की, जो हमें मिलता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान। एग्जीक्यूशन करते वक्त जो है हम मेजर करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस को, तो हमें मिलता है वर्क परफॉर्मेंस डेटा, इसको राव डेटा भी बोल सकते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस अभी कहाँ पर है, कितने मनी स्पेंड हुई है अभी तक प्रोजेक्ट पे, कितने डिफेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट में, और कितनी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं और फिनिश होने वाली हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्क परफॉर्मेंस डेटा से एग्जीक्यूशन के दौरान। तो दोस्तों जब हम अपनी वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन कब मिलती है हमें, वर्क परफॉर्मेंस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसको कुछ मीनिंग देते हैं विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट, तो वो हमारी वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक तरह से हम कंपैरिजन करते हैं जो हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस है कि इतना परफॉर्मेंस होना चाहिए, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो उससे जो डेटा निकल के आता है उसको वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। या फिर हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज समरी होती है वर्क परफॉर्मेंस डेटा की, तो वर्क परफॉर्मेंस डेटा की एक ऑर्गेनाइज समरी जो है उसको वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें जो बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और उसका स्टेटस, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन जो है ये कंट्रोलिंग के प्रोसेस के दौरान जो है ये बनाई जाती है। तो वर्क परफॉर्मेंस डेटा था पहले, उससे निकल के आई हमारी वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन। वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन से हमारे पास क्या, हमें क्या क्या मतलब पता चल सकता है, हमें पता चल सकता है प्लान्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, कॉस्ट परफॉर्मेंस क्या है, कितने रिस्क आइडेंटिफाई करें, और रिस्क रिस्पॉन्स जो था हमारा कितना एफिशिएंट था। ठीक है, और उसके अलावा क्वालिटी डिफेक्ट्स कितने हैं और कितना रीवर्क करना है हमें, मतलब पहले तो हमें सिर्फ यही पता चल रहा था कि कितने रिस्क हैं, कितने डिफेक्ट हैं,
ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वर्क इन्फॉर्मेशन से कि करेक्टिव एक्शन मतलब रिस्क रिस्पॉन्स जो है वो कितना करेक्टिव मतलब कितना एफिशिएंट होगा इन रिस्क को हैंडल करने के लिए, क्वालिटी डिफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए कितना रीवर्क करना पड़ेगा, ये हमें वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन से पता चलता है। प्लान्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों का डिफरेंस और दोनों से हमें पता चलती है कॉस्ट की परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास था वर्क परफॉर्मेंस डेटा, उससे हमने बनाई वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन। जो वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन है या प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है उससे हम बनाते हैं वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो हम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। ये सारा ये रिपोर्ट्स भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस के दौरान बनती हैं और इसमें जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस की। ठीक है दोस्तों, तो फिर से अगर रिवाइज करें तो वर्क परफॉर्मेंस डेटा था, उसको एनालाइज किया, उससे बना हमारा वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद बनी वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आ गई वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि उनको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बता सकें, उनको अपडेट कर सकें। अब दोस्तों प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं, तो जो सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं प्रोजेक्ट के दौरान उनसे लाइफ साइकिल बनती है दोस्तों, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो पाथ प्रोजेक्ट लेता है शुरू से लेकर लास्ट तक उसको बोलते हैं हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, या जो सीरीज ऑफ फेसेस हैं प्रोजेक्ट के दौरान टू प्रोड्यूस द डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट उसको भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट होने के बाद प्लानिंग करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना चीज़ों को और प्रिपेयरिंग करना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिंग होता है जो कि एक्चुअली जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको कैरी आउट करते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, फिर क्लोजिंग के दौरान प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है स्टेजेस होती हैं या फेसेस भी कह सकते हैं, सो ये फेसेस होते हैं जिनको एक सीक्वेंस में रखा जाता है टाइम बाउंड मैनर में, कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्टार्टिंग पॉइंट में शुरू होंगे, एक एंडिंग पॉइंट में ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये फेसेस जो हैं ये हर फेज जो होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक डिलीवरेबल होता है और उसके माइलस्टोन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन फेसेस को जो है ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स डिलीवरेबल एंड माइलस्टोन्स में। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स में क्या अंतर है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होती है उसमें जो हमारे फेसेस होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में वो इंडस्ट्री और के साथ साथ जो है बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वेबसाइट का प्रोजेक्ट है तो उसमें प्लानिंग होगी पहले फिर कोडिंग होगी, है ना। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें प्लानिंग हो सकती है फिर पेंटिंग हो सकती है, कोडिंग नहीं होगी। तो लाइफ साइकिल जो है उसमें चेंज होते रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अलग अलग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके अलावा होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। प्रोसेस ग्रुप्स की बात करें तो वो सेम होते हैं हर प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमें इनिशिएट करना ही होता है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इनिशिएट होने के बाद उसकी प्लानिंग करनी होती है, उसके उसमें क्या वर्क होगा वो सारा जो है प्लान करना पड़ता है, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है और क्लोजिंग करनी पड़ती है, तो वो हर प्रोजेक्ट में जो सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में ज़्यादा फोकस होता है कि काम करने के लिए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो उसमें क्या करना होगा, ठीक है, जो वर्क करना है प्रोजेक्ट में उसको पूरा करने के लिए क्या क्या मतलब हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, क्या क्या वर्क पैकेज होंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप में फोकस होता है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट नीड्स टू बी डन टू मैनेज द प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में इनिशियली मतलब बिगनिंग में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के बिगनिंग में जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट और उसका जो स्टाफ होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, बहुत कम लोग हायर किए जाते हैं स्टार्टिंग के दौरान, प्रोजेक्ट की कॉस्ट और स्टाफिंग लेवल जो है बढ़ जाता है जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ता है एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो लोग भी चाहिए होते हैं और मटेरियल भी चाहिए होता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड स्टाफ लेवल डिक्रीज, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होता है हमारा फिर से जो है कॉस्ट कम हो जाती है और स्टाफ भी कम हो जाता है, तो ये होती है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल।
तो दोस्तों प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो है बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये रिस्क जो है कम होते जाते हैं, और क्योंकि चीज़ें क्लियर होती जाती हैं और अनसर्टेनिटी जो है मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, और मतलब हमारे जो डिलीवरेबल है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के, जो शुरू में है जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो है डिक्रीज होता रहता है, और हमारे डिलीवरेबल जो है एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट के शुरू में जो है एबिलिटी टू मेक एनी चेंज, मतलब चेंज करने की जो एबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, मतलब आप कर सकते हो उस दौरान, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है प्रोग्रेस करता है फिर कॉस्ट जो है बढ़ जाती है चेंज इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है दोस्तों, तो इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट जो है कम होती है स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर प्रोजेक्ट में मतलब बाद में कोई चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई सारी डिपेंडेंसीज बिल्डअप हो जाती हैं और कॉस्टली हो जाता है कुछ भी इम्प्लीमेंट करना लेटर स्टेजेस में। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो एक 5 मील का ब्रिज बनाना है, तो अगर शुरू में हमने चीज़ें ठीक से प्लान कर ली, ठीक है, तो बाद में जो प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में जो अब शुरू में जो है रिस्क भी होगा अनसर्टेनिटी भी होगी, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा चीज़ें जो है कम होती जाएंगी, रिस्क जो है कम होते जाएंगे, अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले से जो है रिस्क प्लानिंग और अनसर्टेनिटी के लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी, वो रीवर्क करना पड़ेगा, सो वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के फेसेस की, तो एक प्रोजेक्ट जो है फेसेस से मिलके बनता है या पोर्शन से मिलके बनता है। ठीक है दोस्तों, हर पोर्शन में हम एक यूनिक टास्क करते हैं, जैसे कि मान लो डिज़ाइन करना कुछ, तो डिज़ाइन जो है डिलीवरेबल है एक फेज़ का, सेकेंड फेज़ में कोडिंग करते हैं, तो मतलब कोड कोड जो है डिलीवरेबल है। ठीक है दोस्तों, और हर फेस में जो है यूनिक वर्क होता है, जो जिसकी स्टार्ट डेट होती है एंड डेट होती है, और दूसरे फेसेस से अलग होता है, जैसे डिज़ाइन अलग है कोडिंग से। तो अगर हमने कोई डिलीवरेबल है, ठीक है, फेस का डिलीवरेबल है, तो वो बिल्कुल यूनिक होगा दूसरे फेज के डिलीवरेबल से या उसकी एक्टिविटी से। जब भी काम अलग होता है तो उसमें हम फेसेस में बांट देते हैं उसको, या पोर्शंस में बांट देते हैं। सो अगर दोस्तों हमें फेस के अंदर कोई यूनिक चीज़ डिलीवर करनी है, तो उसके लिए जो है प्रोसेसेस और कंट्रोल उसी तरह का चाहिए होगा, मतलब जैसे डिज़ाइन के लिए हमें डिज़ाइन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और डिज़ाइन टूल्स चाहिए होते हैं, कोडिंग के लिए हमें डेवलपर्स चाहिए होते हैं और कोडिंग से रिलेटेड टूल चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जो है अगर डिलीवरेबल कंप्लीट करना है और अचीव करना है ऑब्जेक्टिव को, फेस के ऑब्जेक्टिव को, तो हमें प्रोसेसेस और कंट्रोल्स चाहिए जो कि यूनिक है फेस के लिए या फिर उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। सो दोस्तों एक फेस जो है ना उसको हम एक तरह से लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं पोर्शंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, फेस जो है वो सिक्वेंशियली कंप्लीट किया जाता है, और उसमें एक फेस जो है दूसरे फेस से ओवरलैप कर सकता है। फेस स्ट्रक्चर जो होता है प्रोजेक्ट का वो उसको लॉजिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, और उससे जो है हमारा प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्लान करना और कंट्रोल करना इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और कितने फेस हैं प्रोजेक्ट में वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, उसके साइज पे। ठीक है दोस्तों, जब फेस क्लोज होता है तो हैंड ऑफ किया जाता है काम का, ट्रांसफर किया जाता है, और हमारा डिलीवरेबल जो है या जो कि वर्क किया गया है ड्यूरिंग द फेस, उसका जो है आउटपुट हमें मिल जाता है। सो दोस्तों प्रोजेक्ट फेस के जब एंड हो जाता है तो हम एक बार रिव्यू करते हैं जो हमारे की डिलीवरेबल होता है, या प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं फेस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं फेस गेट या फेस एग्जिट या किल पॉइंट, और भी टर्म्स होते हैं जैसे स्टेज गेट, माइलस्टोन, फेस एंड, फेस रिव्यू,
सो ये सारी टर्म्स होती हैं फेस को एंड करने के लिए। सो बेसिकली फेस गेट हमारा होता है या फेस एग्जिट या किल पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम जो है अगले फेस को जो है चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक्टिविटीज़ को रीअसेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बेस्ड ऑन जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे जो है फिर आगे जो है चेंज करते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं प्रोजेक्ट को बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको ऐसा पॉइंट होता है ये हमारा जहाँ पे हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे जो है फिर हम ये रेकमेंड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर अच्छा चल रहा है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो उसको टर्मिनेट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं हम, तो फेज के एंड पे जो है रिव्यू करके जो है हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कि फेस फेसेस की जो है दो फेसेस के आपस में क्या क्या रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। तो एक तरह से फेस हमें हेल्प कर रहा है एक लॉजिकल तरीके से काम को डिवाइड करने में या प्रोजेक्ट को डिवाइड करने में। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमें मतलब कंट्रोल करने में आसानी होगी और मेंटेनेंस करने में आसानी होगी। जो प्रोजेक्ट है हमारा उसको कंडक्ट किया जाता है या तो सिंगल फेस में या मल्टीपल फेसेस में, मतलब एक सिंगल फेस का भी प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा और ये मल्टीपल फेसेस का। जैसे अगर डिजाइनिंग की ही रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ डिजाइनिंग का ही प्रोजेक्ट होगा। सो अगर बात करें कि मल्टीपल फेसेस की, तो मल्टीपल फेसेस में जो हमारे दो फेसेस हैं उनके बीच में दो तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो सीक्वेंशियल रिलेशनशिप हो सकता है या ओवरलैपिंग रिलेशनशिप होता है। आइए दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सीक्वेंशियल रिलेशनशिप की बात करें तो एक फेज खत्म होता है तभी दूसरा शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, जब तक पहले वाला खत्म नहीं होगा दूसरा स्टार्ट नहीं होगा, नेक्स्ट वाला स्टार्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारी जो अनसर्टेनिटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं अगर हमारे सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है फेसेस में। तो दोस्तों अगर बात करें ओवरलैपिंग रिलेशनशिप की, तो इसमें क्या होता है कि दो फेसेस जो है पैरेलली भी मतलब किए जा सकते हैं, उनमें उनका काम जो है पैरेलली भी किया जा सकता है। जैसे कि मान लो एक एक्टिविटी जो है, जैसे मान लो हमारी वॉल्स रेडी हो गई हैं और उसके बाद जो है उनको पेंट करना है। ठीक है, तो कुछ वॉल्स रेडी हो गई तो वॉल्स रेडी करते रहते हैं, लेकिन ये है कि पेंट की एक्टिविटी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब ओवरलैपिंग रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे कि हम फास्ट ट्रैकिंग करते थे प्रोजेक्ट की, आपको याद होगा। फास्ट ट्रैकिंग में क्या करते हैं, फास्ट ट्रैकिंग में एक काम पहले से चल रहा है और एक रिसोर्स हमने और ऐड कर दिया पैरेलली। और क्यों ऐड कर दिया, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है फास्टर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मल्टीपल टास्क होते हैं उनको पैरेलली स्टार्ट कर देते हैं। पैरेलली मतलब एक काम पहले से चल रहा है तो दूसरा काम उसके साथ साथ हम करते हैं, इसका रिस्क बढ़ जाता है और रिस्क के साथ साथ जो है रीवर्क के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। तो ओवरलैपिंग रिलेशनशिप जो है उसमें उसमें ये नुकसान है कि भाई आप पैरेलली काम कर रहे हो तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओवरलैपिंग हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली एक स्केड्यूल को कंप्रेस करने की टेक्निक है, मतलब टाइम को कम करने की टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ऑलरेडी काम कर रहे हैं रिसोर्सेज, लेकिन उनको एक और काम दे देते हैं साथ में कि आप पैरेलली ये वाला काम भी कर लो। तो उसमें जो है हमें हाई स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो अगर हमारा रिसोर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है और वो दो काम एक साथ पैरेलली कर रहा है, तो दोस्तों फिर रिस्क के चांसेस तो बढ़ जाएंगे और रीवर्क के भी। तो दोस्तों दो तरह की लाइफ साइकिल होती है, प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल होती है। प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में जो है हमारा हमें चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है। ठीक है, वो सबसे पहले हम उसको डिटरमाइन कर लेते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में ही हम सारी चीज़ें जो हैं प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इतनी कॉस्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फिक्स स्केड्यूल होगा, फिक्स स्कोप होगा और फिक्स कॉस्ट होगी, जिसको हम प्रोजेक्ट के दौरान जो है फॉलो करेंगे। पहले से रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में, और सम मतलब क्लियर होती है सारा कुछ, और
हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। फिर दोस्तों आती है हमारी आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल। आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल में जैसे जैसे हमारा जो है प्रोडक्ट जो है सीरीज ऑफ साइकिल्स में जो है उसको बनाया जाता है, या अलग अलग आइट्रेशन बनाई जाती हैं, हर हर आइट्रेशन के साथ जो हम फीचर ऐड करते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाता है हमारा आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं। हर आइट्रेशन के साथ एक डिलीवरेबल जुड़ा हुआ होता है जिसको हमने कंप्लीट करना होता है। हर आइट्रेशन में जो है टीम रिव्यू करती है डिलीवरेबल्स को, है ना, और फीडबैक को इम्प्लीमेंट करती है, और लेसन्स लर्न जो है अगली आइट्रेशंस में जो है यूज़ होते हैं। आइट्रेशंस जो है वो या तो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर यूज़ होता है या ओवरलैपिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो शुरू में तो इसमें हाई लेवल एक डिटेल हाई लेवल इसको बोलते हैं, हाई लेवल प्लान बनाया जाता है या स्कोप लिखा जाता है, लेकिन वो जो है जैसे जैसे आइट्रेशंस आगे बढ़ती है, नई नई आइट्रेशन आती है, तो धीरे धीरे जो है हमारा डिटेल स्कोप बनता है जैसे जैसे जो है आगे आगे प्रोजेक्ट प्रोसीड होता है। तो अगर हमारे स्कोप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होने वाला है या ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे चेंज होने वाले हैं, तो हम उस केस में जो है आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें हमारा फिक्स नहीं है स्कोप, और इसमें हमारी कॉस्ट भी फिक्स नहीं है, स्केड्यूल भी फिक्स नहीं है। तो लास्ट में हमारा आता है एडेप्टिव लाइफ साइकिल, जहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, चेंजेस चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो रही होती हैं, वहाँ पे हम एडेप्टिव लाइफ साइकिल का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें जो एडेप्टिव लाइफ साइकिल होती है वो हमारी आइटरेटिव भी होती है और इंक्रीमेंटल भी होती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, आइटरेटिव इंक्रीमेंटल में और एडेप्टिव में? जो आइट्रेशन अडेप्टिव में होती हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड होती हैं एज़ कम्पेयर टू आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल। और इसमें जो है फिक्स स्केड्यूल और कॉस्ट होता है, इसमें फिक्स स्केड्यूल हमारा सेम रहेगा, टाइम हमारा सेम रहेगा, कॉस्ट हमारी सेम रहेगी अडेप्टिव लाइफ साइकिल में। अगर हमें जो है स्कोप और रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर नहीं है इनिशियली प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, तो हम एडेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें जो है स्केड्यूल जो है वो फिक्स रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर स्केड्यूल होगा और एक कॉस्ट भी होगी, फिक्स होगी वो एडेप्टिव में, और बाकी चीज़ें जो हैं वो जैसे स्कोप है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो है ये एडेप्टिव होती हैं, ये मतलब रैपिडली चेंज होती हैं, नई नई रिक्वायरमेंट कस्टमर से आती रहती है, लेकिन काम हमें जो है एक टाइम पे फिक्स कर मतलब कंप्लीट करना है और एक कॉस्ट में ही कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सेकेंड लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम जाएंगे इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पे। होप आपको हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये आपको अच्छा लगा होगा, और अपने कमेंट्स अगर कोई डाउट हो कुछ हो तो आप अपने कमेंट्स जो है नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।